मनुष्य मनुष्य जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से घिरा हुआ होता है। मनुष्य जीवन बड़ा कठिन है। मनुष्य जीवन बड़ा कठिन है, उसको समझ पाना उससे ज़्यादा कठिन है। क्या है कि मनुष्य माया मोह के बंधन में इतना अधिक उलझ गया है कि बस उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपना सुख, अपना वैभव ही दिखाई देता है। इसके आगे उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक अति लघु कथा सुना रही हूँ। एक बार मैं मंदिर भगवान के दर्शन करने गई और जब वापस आई तो मैंने देखा कि एक युवक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्मार्ट था। वह बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतरा, उसके संग चार पुलिस वाले भी थे उसके अंगरक्षक के रूप में, और वह भगवान के दर्शन करने गया। और जब वह वापस आया तो एक भिखारी ने नीचे उतरकर उससे मांगा, कुछ दे दो बेटा। तो उस व्यक्ति ने जेब में हाथ डाला, उसकी जेब से 100 का नोट निकला, तो उसने उस 100 के नोट को वापस रख लिया। तो उस भिखारी ने कहा कि दे दो बेटा, तो उसने कहा छुट्टे नहीं हैं। भिखारी ने कहा तो आओ मैं दे देता हूँ। तो उसने कहा तुम कहाँ से दोगे, भिखारी कहीं के। तभी उसके पहरेदार चिल्लाने लगे कि भिखारी होके साहब से जवान लड़ाता है, दो चल दूर हट। और उसने भिखारी को दूर कर दिया और साहब अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने चौकीदारों, पहरेदारों, सिपाहियों के संग बैठ के और वापस चले गए। मुझे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी गाड़ी में आने के बावजूद भी उसने भिखारी को कुछ नहीं दिया। मुझसे यह सहन नहीं हुआ और मैं उस भिखारी के पास पहुंच गई और उससे 10 का नोट उसके हाथ पर रखकर पूछा कि क्यों बाबा, आप तो अच्छे घर के लगते हो, फिर यहाँ सीढ़ियों के नीचे भिक्षा क्यों मांग रहे हो, और उसने आपको ऐसे क्यों धिक्कार दिया, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया। तो वह भिखारी रोने लगा, बच्चों की तरह, बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगा। तो मैंने पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो, आप अपनी कहानी सुनाओ। तो उस भिखारी ने कहा कि मैं एक प्राइवेट सर्विस में था, मेरे केवल एक ही बेटा था और मेरी यही तमन्ना थी कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, और मैंने जितना भी पैसा कमाया सब अपने बेटे की शिक्षा में लगा दिया, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाए, वो इतना सुंदर और इतना हैंडसम हो गया और आज जो है सरकारी नौकरी भी कर रहा है, जो कलेक्टर है, जिसके संग चार लोग चलते हैं। वह जो आप देख रही थी वह मेरा बेटा ही था, वह मेरा बेटा ही था, और मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं सीढ़ियों के नीचे भिक्षा मांग रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास जो कुछ था मैंने सब बेटे में लगा दिया और बेटा कलेक्टर बन गया, लेकिन कलेक्टर बनते ही उसको बड़ा सा बंगला मिल गया और वह अपने बंगले में पहुंच गया, शादी हो गई, बहू आ गई, नाती पोते हो गए, वह हम लोग बड़े खुश थे। लेकिन बंगले में पहुंचते ही उसने मुझे पुनः किराए के मकान में वापस कर दिया कि आप वृद्धों के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है, और मैं और मेरी पत्नी फिर से किराए के मकान में पहुँच गए। कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी को दमा की बीमारी हो गई और मेरा जितना भी रखा हुआ पैसा था सब माँ की बीमारी में लग गया, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है।
आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ और यहाँ आता हूँ। यहाँ से जो भिक्षा मिलती है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। पत्नी तो मेरी कुछ दिनों पहले गुजर गई और मेरा नालायक बेटा अपनी माँ के मरने पर भी नहीं आया। मैं क्या करूँ, मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अब बहुत ही लाचार हूँ। उसकी यह दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ और मैं भारी मन से घर वापस आ गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उनके लिए ना करो, करो, लेकिन अपने वृद्धा अवस्था के लिए भी सोचो। वृद्धा अवस्था में बीमारियाँ अधिक होती हैं और पैसा भी अधिक लगता है, और किसी किसी के तो बेटे बहुत अच्छे निकलते हैं जो अपने माँ बाप को सहारा देते हैं, उनको अच्छा सा इलाज कराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और बहुत से बेटे तो आजकल नालायक ही हो रहे हैं, जैसे कि उस भिखारी का बेटा जो था तो कलेक्टर लेकिन अपने पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा था। अतः मैं उन वृद्धों से अपील करती हूँ, उन वृद्धों को यह समझाना चाहती हूँ कि बच्चों को सब कुछ दे दो पर अपने लिए भी कुछ शेष रखो। अपने लिए भी कुछ शेष रखना चाहिए जिससे कि आप किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक ना बन सकें। अगर आपको थोड़े से भी मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मुझे लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और दादी को थोड़ा सा तो उत्साह बढ़ाना ही चाहिए, अतः मेरा उत्साह बढ़ाइए।